हेलो दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं टैली प्राइम में। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बताया था कि टैली प्राइम को कैसे इंस्टॉल और डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि टैली प्राइम में कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी लाइक भी कर लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं। देखिए टैली में कंपनी क्रिएट करने की 3 रूल्स होते हैं, हम आपको एक एक करके स्टेप स्टेप बाई स्टेप करके तीनों बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको टैली प्राइम में क्या करना पड़ेगा। ऑल्ट प्लस F3, यानी ऑल्ट के साथ आप F3 जैसे प्रेस करेंगे एक ऑप्शन खुलेगी जिसका नाम होगा लिस्ट ऑफ कंपनीज। यहाँ से आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर देख रहा होगा हाईलाइटेड है, शो कर रहा होगा क्रिएट कंपनी, आपको दिख रहा होगा कि लिस्ट ऑफ कंपनी में एक नीचे ऑप्शन दिया है क्रिएट कंपनी का। अब यहाँ से आप क्रिएट कंपनी पर क्लिक करके आप जिस नाम से कंपनी बनाना चाहते हैं उस नाम से अपना कंपनी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि मैंने क्रिएट कंपनी पर क्लिक किया, देखिए ये हाईलाइटेड हो गया। अब हाईलाइटेड होने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस कंपनी क्रिएट करने के लिए इंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करते ही हमारे यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा कंपनी क्रिएशन, यानी कि हम यहाँ से अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ देख रहा होगा कि कंपनी डाटा पाथ, यानी कि जो भी हम कंपनी की, इसमें देखिए दिख रहा है सी यूजर पब्लिक टैली प्राइम डाटा। कहने इसका कहने का मतलब ये है कि हम टैली प्राइम में जो भी कंपनी क्रिएट करेंगे, ये सी जो हमारा जो ड्राइव सी है, यूजर नाम से एक कोई फोल्डर होगा, उसमें पब्लिक नाम से कोई फोल्डर है टैली प्राइम डाटा, इसी नाम उसी में जाके हमारा ये सारी कंपनियां का डाटा क्या होगा उसी में सेव होगी, ठीक है। ये क्योंकि हमारी कंपनी के डाटा पाथ है। और नीचे आप देखिए, नीचे आपको एक ऑप्शन दिया होगा कंपनी नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नेम फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी कंपनी का एक नेम फिल करता हूँ, क्या फिल करता हूँ, ABCD क्या है और PBT और LTD। कहने का मतलब ये है कि ABCD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से कोई हम एक कंपनी बना रहे हैं, और उसका एड्रेस क्या है। जैसे हम देखिए ABCPBD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम बना के इंटरफेस किए हैं, इसका देखिए आपको दिख रहा होगा मेलिंग नेम में भी इसका नेम शो कर लिया। मेलिंग नेम में हम कोई अगर चाहते हैं कि किसी और नाम से कोई पार्टनरशिप में, तो उसका भी नाम हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए एड्रेस, यानी ये एड्रेस में पूछ रहा है कि आप जो कंपनी बनाए हैं ये कंपनी किस एड्रेस की है, ठीक है। तो आप वहाँ के एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे कि मैं इलाहाबाद के एड्रेस डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इलाहाबाद का एड्रेस डाल दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पूछ रहा होगा स्टेट, यानी कि जो आप कंपनी बना रहे हैं वो कंपनी किस स्टेट में पड़ती है। जो हमारी स्टेट पड़ती है उत्तर प्रदेश, आप सब जानते हैं कि इलाहाबाद हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ती है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश लेंगे। और यहाँ पर जैसे देखिए स्टेट में हम उत्तर प्रदेश फिल करेंगे, एक लिस्ट ऑफ स्टेट को खुल जाएगी, आपको यहाँ दिख रहा होगा। और यहाँ पर एक जैसे हम UTT लिखेंगे, हमारा उत्तर प्रदेश हाईलाइटेड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हाईलाइटेड करने बाद यहाँ पर आप या तो आप माउस की मदद से क्लिक करके ले सकते हैं, यहाँ पे आप माउस से क्लिक करेंगे तभी वो ये ले लेगा, या फिर आप यहाँ पे इंटर प्रेस कीजिए फिर भी ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पिन कोड, हम इलाहाबाद के, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं इलाहाबाद की, जैसे पिन कोड जिस एड्रेस का आप पिन कोड वहाँ पूछता है कि उसका पिन कोड क्या है, जैसे कि हम यहाँ कुछ फिल कर दें, ठीक है। फिल करने के बाद यहाँ पूछेगा मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर में भी आपको कुछ फिल करना है, आप फिल कर दीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। फैक्स पूछेगा, फैक्स में कोई नंबर फिल कर दीजिए। फिर से यहाँ पे ईमेल वेबसाइट पूछेगा ईमेल आईडी क्या है, तो ईमेल आईडी में मान लीजिए हमने कुछ फिल कर दिया, जैसे कि इस तरह से मान लीजिए कुछ हमने फिल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ईमेल आईडी को भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी को फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, ईमेल आईडी को फिल करने का यहाँ पे आपको पूछेगा वेबसाइट, आप इसमें वेबसाइट भी कुछ नाम से मान लीजिए www है ऐसे कुछ करके आप इसमें वेबसाइट भी अपना फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर देंगे। आपको यहाँ पर फिर दिखना, यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है, आपको यहाँ दिख रहा होगा
फाइनेंशियल ईयर बीइंग फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बीइंग फ्रॉम में ये आपका वो डेट रहता है जिस डेट पे हम क्या है ये हमारी जो बिजनेस स्टार्ट होती है उसी वही डेट हमारे यहाँ पर शो करता। हम आप सब जानते हैं कि जो हमारे व्यापार का जो रूल्स होता है, जो नियम होते, मतलब जो हमारे मंथ होते हैं या फिर जो टाइम होती है, डेट होती है, वो 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल से और 31 मार्च के बीच में ही हमारी जो फाइनेंशियल ईयर बीइंग फ्रॉम यानी जो हमारे व्यापार होते हैं, ठीक है। ये तो ये सही है। अब हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आने बाद आपको दिख रहा होगा बुक्स बीइंग फ्रॉम। यहाँ पर हम वो डेट डालते हैं कि जिस डेट पे हम अपनी कंपनी बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी कंपनी आज डेट में बना रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरी कंपनी की डेट की आज मान लीजिए हम बना रहे हैं। आप देख एक बात को आपको एक यहाँ पे एक और बात ध्यान देना पड़ेगा कि जो हम एजुकेशनल मोड यानी कि जो हमारे टेली प्राइम की एजुकेशनल मोड होती है इसमें आप 1, 2 और क्या है 1, 2 और 31 इसी 3 डेट पे आपको ये फॉलो करेगा, अन्यथा और कोई डेट आप इसमें फिल करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि हम ले लेते हैं 2, ठीक है, 2 जून, क्या ले लेते हैं 2 जून ले लेते हैं और इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। देखिए हमने 2 जून लेके एक्सेप्ट कर लिया ना, क्योंकि मैं बताया हूँ ना आपको जो टैली प्राइम है ये 1, 2 और 31 यानी कि 1, 2 और 31 इसी डेट को इसी 3 डेट को लेगा, अन्यथा आप कोई भी डेट फिल करेंगे इसमें ये नहीं लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने आप जो कंपनी मैंने बनाई अपनी कंपनी बताई मैं, क्योंकि मैं अपनी कंपनी जो 1 जून मतलब जून के महीने से स्टार्ट कर रहा हूँ जी, अपनी कंपनी जून के महीने से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी ये यहाँ पर डाला 2 जून 2022, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्सेप्ट करा देंगे। अब देखिए इंटर प्रेस करते आप जाएंगे तो यहाँ पर पूछेगा एक्सेप्ट, आपको एक्सेप्ट कराना है तो वाई प्रेस कीजिए, नो अगर एक्सेप्ट नहीं कराना है तो आप एन प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक्सेप्ट कराना है तो हम वाई प्रेस करेंगे, जैसे ही वाई आप प्रेस करेंगे तो वाई प्रेस करते ही क्या होगा आपका टाइम वो कंपनी सक्सेसफुल रूप से क्रिएट हो जाएगा और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जो आपकी कंपनी आपने बनाई है वो आपकी कंपनी सक्सेसफुल रूप से क्या हो गई है क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर आपको कुछ कह रहा होगा इनेबल द फ्यूचर एज पर योर बिजनेस नीड्स, यानी कि आप जो कंपनी क्रिएट किए हैं इस कंपनी के अकॉर्डिंग आप बिजनेस जो स्टार्ट करेंगे उसमें कुछ फीचर जो हैं जो क्या उसको इनेबल आप करना चाहते हैं या नहीं। तो जैसे कि मान लीजिए आवश्यकता के अनुसार आप उसको इनेबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे कुछ भी इनेबल नहीं करना है इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी ध्यान नहीं देंगे और क्या करेंगे इंटर प्रेस करके हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। तो आप जैसे इंटर प्रेस करते जाएंगे इंटर प्रेस करते जाइए और यहाँ पर लाइए और एक्सेप्ट करा दीजिए। देखिए यहाँ भी हमको पूछेगा एक्सेप्ट करने के लिए यस या नो पूछेगा, आपको एक्सेप्ट करना है तो आप वाई प्रेस कीजिए और एक्सेप्ट हो जाएगा। अब जैसे ही एक्सेप्ट होगा एक्सेप्ट होने बाद आप कहाँ चले जाएंगे गेटवे ऑफ टैली आपको दिख रहा होगा, गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपका जो कंपनी आप जिस नाम से क्रिएट किए हैं वो बोल्ड अक्षरों में यहाँ पर देख लिख रहा है ABC PVT LTD यानी ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें अभी दिख रहा है नो बाउचर एंट्री, इसमें कोई बाउचर एंट्री नहीं हुआ है और उसका करेंट पीरियड टाइम दिखा रहा होगा। मैंने बताया था ना आपको कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हमारी व्यापार होती है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है इसका करेंट पीरियड टाइम कि 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2023 यानी कि इसी दो महीने इसी मतलब बीच में हमारा जो कंपनी जो व्यापार का जो टाइम होता है यही होता है। और जो मैंने अपना कंपनी अपने कंपनी का जो मैंने डेट डाला है आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा 2 जून 2022 यानी कि ये करेंट डेट है किसका हमारे कंपनी का जिस कंपनी पर हम जो इस डेट पे हमने अपनी कंपनी क्रिएट की है, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऊपर एक उसको बोलते हैं मेनू बार में आपको दिख रहा होगा कंपनी डाटा एक्सचेंज गो टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ईमेल प्रिंट हेल्प ये इसकी मदद से आप ये वगैरह कुछ करके दिया रहता है आप इसकी मदद से और भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आप कंपनी में कोई भी सॉफ्टवेयर मतलब कंपनी में आप कोई भी फंक्शन ओपन किए हैं और उस पर आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आप इसमें भी जो काम करना चाहते हैं इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना ईमेल करना प्रिंट करना उसके साथ भी आप इसको उसको ओपन करने के साथ भी इसको इससे आप काम को कर सकते हैं, ठीक है। और आपको साइड में दिख रहा होगा
कि एक साइड में एक और आपका दिख रहा होगा, एक दिखा है जिसमें आपको दिख रहा है डेट और कंपनी, ठीक है। साइड में एक और ऑप्शन दिया है जिसमें आपको डेट और कंपनी दिया है, तो इससे आप डेट और कंपनी के दिया है तो अभी यहाँ पे जैसे हम बाउचर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ से जो हमारी शॉर्टकट की वगैरह होती हैं, जो हमसे सहयोग जो हमारे क्या कहता है, जो हमारे एंट्री करते समय टैली में हम जो वर्क करते हैं काम करते समय हमको हेल्प करता है, उसकी सारी डिटेल्स यानी कि उसकी शॉर्टकट की या फिर किस अक्षर से मतलब क्या किस कौन सा क्लिक की प्रेस करने से कौन सी ऑप्शन आएगी उसके लिए यहाँ पे देखता है। मैं आपको एक बार और बता दूं कि जिस की के नीचे जैसे कि यहाँ पे लिखा है F, आपको दिख रहा होगा F के नीचे डबल अंडरलाइन है, तो आप यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि जिस की के नीचे डबल अंडरलाइन हो उसके मतलब होता है वो उस की को कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, ठीक है। क्या करना है, कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, जिसके साथ सिंगल हो उसको अल्ट के साथ प्रेस करना है, ठीक है। तो आप इस बातें को ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, एक देखिए कि यहाँ पे दिख रहा है कि ऑटो फिट, अगर ऑटो फिट को आप अपने लैपटॉप में करके देखिएगा, अगर आप ऑटो फिट को अल्ट और एफ के साथ करेंगे तो ये प्रेस नहीं होगा, लेकिन आप जैसे कंट्रोल और एफ के साथ प्रेस करेंगे देखिए फिल हो गया ना, आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे कर रहा है ऑटो फिट स्टेट पेमेंट, और यहाँ से देखिए हमको ये कुछ ट्रांजेक्शन को पेमेंट वगैरह करने के काम कर रहा है, ऑटो फिट करने के काम कर रही है, हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। और यहाँ से अब हम इसको बैक जाने के लिए क्या करेंगे, आप स्किप की को प्रयोग स्क्रिप्ट की जो होती है कीबोर्ड में उसका प्रयोग करके आप इसको बैक जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ना कि यहाँ पे जो डबल अंडरलाइन है उसको कंट्रोल के साथ अगर हम उस की को प्रेस करेंगे तभी काम करेगा, और जो सिंगल अंडरलाइन है उसको अल्ट के साथ अगर हम प्रेस करेंगे तो होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा ना स्टेट क्या लिखा है, स्टेट एडजस्टमेंट, ठीक है, स्टेट लिखा है ना, एडजस्टमेंट लिखा है, ठीक है, स्टेट एडजस्टमेंट लिखा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे एक सिंगल कॉलम है, ठीक है, सिंगल एक लाइन है, तो आप इसको अगर कंट्रोल के साथ इस अगर प्रेस करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। जैसे कि देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए कंट्रोल और जेड के साथ कंट्रोल जे में प्रेस कर रहा हूँ, काम कर रहा नहीं कर रहा, अगर मैं इसी को अल्ट और जे के साथ क्लिक करूं तो देखिए आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्टेट जैसे स्टेट एडजस्टमेंट में जो GST होती है किस स्टेट से है इसको एडजस्टमेंट किया जाता है, इसकी एंट्री की जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको आगे वीडियो में आपको डिस्कस करते जाएंगे, फिलहाल में अभी हम आपको बता रहे हैं कि की कैसे काम करती है इसको, ठीक है। अब इसको बाहर जाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, अगर बाहर जाना है तो हम क्या करेंगे, स्किप की का प्रयोग करके हम बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्किप की इसके देखिए प्रयोग करके हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, और आपको अब मालूम चल गया होगा कि कौन से कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, और जो किसी की के अगर नीचे डबल अंडरलाइन हो तो वो किस कंट्रोल के साथ या अल्ट के साथ करने से होगा, या और देखिए जो अगर डबल अंडरलाइन हो तो कंट्रोल के साथ, और अगर सिंगल अंडरलाइन हो तो अल्ट के साथ, ठीक है। तो अब चलिए और बताते हैं हम आपको, अगर यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो मैंने कंपनी बनाई है उसके साथ एक और कंपनी बन चुकी है, ठीक है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि कई कंपनी एक से अधिक कंपनियाँ बना के और अलग अलग कंपनी बना के अगर उस पर हम चाहते हैं एक ही कंपनी को लेकर हम इस पर अपना काम करें, ठीक है, तो और कंपनी को हम ऐड करना चाहते हैं इसमें। जैसे कि आपने एक कंपनी बनाया है, एक कंपनी पहले से बनी थी, एक कंपनी आपने बनाकर अभी को ऐड किया, आप चाहते हैं कि एक और कंपनी बनाकर हम उसको ऐड कर लें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप या तो F3 प्रेस कीजिए, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा F3 कंपनी क्रिएट, इसकी मदद से भी आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप प्रेस जैसे वहाँ पर जाएंगे माउस की मदद से क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ कंपनीज खुली है, यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन दिया होगा जो हाइलाइटर आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ भी क्या करेंगे इंटर प्रेस करके आप एक कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए वही ऑप्शन खुला जो मैंने आपको कंपनी क्रिएट करते वक्त बताया था कि कंपनी क्रिएशन, अब यहाँ से भी आप एक नई कंपनी अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो एक नई कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कोई कंपनी बना रहा हूँ, देख लीजिए कोई कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ फिल किया, और फिल करने के बाद क्या किया, मान लीजिए कि ये कंपनी बना रहा हूँ, ठीक है, मैं ये कंपनी बना रहा हूँ अमन नाम से, ठीक है, अमन और PBT और LTD यानी कि अमन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब एड्रेस इसका पूछ रहा है कि इसका एड्रेस कहाँ का है, तो मान लीजिए मैं इसका एड्रेस क्या डाल रहा हूँ, इसका भी एड्रेस मैं वही डाल रहा हूँ जो उसमें डाला था, इलाहाबाद, ठीक है,
तो इसका भी मैं क्या डाल रहा हूँ, इलाहाबाद। इलाहाबाद डालने के बाद क्या करूँगा, अब यहाँ पे इंटर जैसे आप प्रेस करके इंटर इंटर करेंगे, डबल इंटर करने के बाद आपका स्टेट पूछेगा कि ये किस स्टेट में पड़ता है। तो आप जानते हैं कि इलाहाबाद भी हमारे किस में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आप इसमें यू और टी जैसे प्रेस करेंगे, आपका यहाँ पर दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश आ जाएगा, दो ऑप्शन आएगा यू टू टी से, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो आपको उत्तर प्रदेश लेना था, आप उत्तर प्रदेश पे एरो की मदद से आके और इंटर प्रेस करके आप इसको इंटर प्रेस करने के बाद भी ले सकते हैं, या फिर माउस की मदद से आप यहाँ पे क्लिक करके भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है पिन कोड, आप पिन कोड में इसका पिन कोड फिल कर सकते हैं। यहाँ पे टेलीफोन नंबर पूछ रहा है, टेलीफोन नंबर आप फिल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आप फिल कर सकते हैं, यहाँ फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, इसको आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको फाइनेंशियल ईयर बिंग फॉर्म बताया था, उसको आप, ये तो मेरा सही है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, और ये क्या होता है बुक बिंग फॉर्म, यानी कि जिस डेट से हम कंपनी क्रिएट करते हैं उस डेट को डालते हैं। फिलहाल हम अभी यही राय देने देते हैं और इसको क्या कराते रहें, एक्सेप्ट कराते रहें। अब देखिए जैसे ही कंपनी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ भी कोई कहेगा कि आपका जो कंपनी है सक्सेसफुल से क्रिएट हो गया। अब इसको एक्सेप्ट कराने के लिए मैं आपको बता रहा था तभी से कि कंपनी को इसको एक्सेप्ट, अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट कराना है तो एक्सेप्ट कराने के लिए आप इंटर इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा रहे हैं। इसको अगर एक ही साथ में एक्सेप्ट कराना है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल और ए कीजिए। कंट्रोल ए जैसे आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ ए जैसे आप प्रेस करेंगे, ये आल एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। एक साथ क्या होगा, आल एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो अमन नाम से अभी को जो कंपनी बनाई है, अब देखिए वो बोल्ड अक्षरों में यहाँ पे हाईलाइटेड है, आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने इससे पहले है यहाँ पे आ गया, अब जो मैंने अभी को कंपनी क्रिएट किया है देखिए ये आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे हाईलाइटेड है ना। अब देखिए यहाँ पे करेंट पीरियड भी इसका दिखा रहा है, और इसका जो करेंट डेट मैंने अभी क्या लिया है अप्रैल, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं किया है, तो इसलिए क्या दिखा रहा है फ्राइडे 1 अप्रैल 2022, ठीक है। अब यहाँ से हम चाहते हैं देख इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप कंपनी को ऐड करके क्रिएट कर सकते हैं। अगर अब यहाँ से हम क्या चाहते हैं, अब आप यहाँ से आप चाहते हैं जिस कंपनी पर आप काम करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए अमन, यहाँ पर अमन कंपनी एक्टिवेट है, मतलब एक्टिवेट है, तो आप जो इस पर बाउचर की एंट्री करेंगे, वर्क काम करेंगे, इस पर ट्रांजेक्शन एंट्री करेंगे, वो किस में होगा, अमन कंपनी में होगा। अगर हम नहीं चाहते हैं कि हम ABC करेंगे, यानी कि ABCDPBD जो हम इसमें इस कंपनी में हम काम करेंगे, तो आप क्या करेंगे, माउस की मदद से आइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे माउस की मदद से आके यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देखिए ये भी हाईलाइटेड हो गया, यानी ये वाली कंपनी एक्टिव हो गई। अब दिखा रहा होगा आपको इसका करेंट पीरियड और जो मैंने इसका करेंट डेट डाला था वो आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए अगर अब चाहते हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि अब इस कंपनी को हम एक एक करके क्या करें, हटाने के लिए, इस कंपनी को हटाने के लिए यहाँ पे कि सारी कंपनी आ गई, हम चाहते हैं कि ये दो कंपनियाँ को हम हटा दें, सिर्फ एक ही कंपनी हमारी रहे, तो उसको हम कंपनी को हटाने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कंपनी के और कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे देख मैं आपको शुरुआत में ही बताया था, वीडियो के मैंने शुरू करके ही बताया था बीच में ही, कि जो हम ये किसी भी की के नीचे अगर सिंगल का सिंगल एरो की आ जाए, यानी सिंगल एरो आ जाए, मतलब सिंगल मतलब एक एरो आ जाए, तो उसको किस की के साथ प्रेस करेंगे तो वो काम करेगा, अल्ट के साथ, किसके साथ, अल्ट के साथ। अगर डबल आ जाए तो कंट्रोल के साथ। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा सिंगल है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, अल्ट और के। आप ऑल्ट और के का प्रयोग करके यहाँ पे जा सकते हैं, या फिर माउस की मदद से आप यहीं पे जाके क्लिक करके भी आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद आपको एक दिख रहा होगा क्रिएट का, यहाँ से भी आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिया रहा ना, आप यहाँ भी इंटर प्रेस कीजिए, देखिए वहीं पे आ गए कि नहीं आ गए, कंपनी क्रिएशन। तो आप यहाँ से भी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी क्रिएट करने के मैंने 3 रूल आपको बताई है, देखिए बाहर चलते हैं स्क्रिप्ट से। इसको देखिए कंपनी क्रिएट करने के मैंने क्या बताया था, पहला बताया हूँ कि ऑल्ट F3 का प्रयोग करके आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा क्या बताया था कि आप यहाँ पे F3 सिर्फ क्या F3 प्रेस करके या फिर यहाँ पे माउस को क्लिक करके कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। फिर मैंने तीसरा क्या बताया, तीसरा ये बताया कि आप ये जो केक दिखा है कंपनी, तो अल्ट प्लस के या फिर यहाँ पे माउस की मदद से क्लिक करके और जो क्रिएट का ऑप्शन है यहाँ भी आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों रूल आप मालूम अच्छी तरह से आ गया होगा और आपने कंपनी आप किसी भी रूल को फॉलो करके कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कंपनी कैसे बंद करेंगे, यानी कि बहुत सारी कंपनियाँ, एक से अधिक कंपनियाँ बन गई हैं, तो उसको एक एक करके, मानी हम चाहते हैं कि हमारी एक ही कंपनी हाईलाइटेड, बाकी जो कंपनी बनी है उसको बंद कर दें। तो उसको बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा शॉर्ट, क्या दिख रहा है शॉर्ट, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस F3। तो आप इस पे क्लिक करके भी इस पे उस पे जा सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि इसकी शॉर्टकट की मदद से हम
जाएं शॉर्टकट की मदद से कहाँ पर चले जाएं, शॉर्ट पे। तो आप स्क्रिप्ट से बाहर आइए और यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्या करें, क्या था F3 था ना, कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करिए। देखिए यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, शॉर्ट कंपनी आ गया ना। अब आप जिस कंपनी को बंद करना चाहते हैं उस कंपनी पे क्लिक कीजिए और उसको इंटर प्रेस कीजिए। जैसे कि मैंने इसको बंद करना चाहता हूँ, मैं इसको प्रेस किया। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ए नाम से जो कंपनी थी वो बंद हो गई। अब हम इसमें क्या जाते हैं कि ABCD जो जो इस काम से है, ABCD PBT LTD यानी कि ये कंपनी है, इसको भी हम बंद करना चाहते हैं। तो इसको भी बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, वही स्टेप फॉलो करेंगे कि क्या, कंट्रोल प्लस F3 शॉर्ट के साथ, सॉरी मैंने कंट्रोल प्लस के बताया था कि वो कंपनी जाने के लिए, कंट्रोल प्लस F3 F3 प्रेस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, शॉर्ट कंपनी में। और हम किस कंपनी को बंद करना चाहते हैं, यही है ना कंपनी ABCD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसको बंद करना चाहते हैं, इसको एक्टिव करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। आपको दिख रहा होगा कि वो भी कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई। अभी हमारी कौन सी कंपनी ओपन है, अभी अमन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो आप इस तरह से कंपनी को बना सकते हैं। कोई भी आपको कंपनी बनानी है तो कुछ इस तरह से, इस तीन रूल मैंने बताया आपको, इन तीनों रूल फॉलो करके आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। और आप एक से अधिक अगर कंपनी को क्रिएट करके ऐड कर लिए हैं, आप उस कंपनी को अगर बंद करना चाहते हैं तो आप ऐसे कंपनी को उसको भी बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से इस वीडियो को आ गया होगा, कंपनी क्रिएट करना है सबको समझ में, इस वीडियो का वीडियो जो है मेरा ये सबको समझ में आ गया होगा और कंपनी क्रिएट सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो तब के अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे किस में, इसके साथ जो आपको गेटवे ऑफ टैली में दिख रहा है मास्टर में आपको दिख रहा है क्रिएट अल्टर चैट ऑफ अकाउंट, फिर से ट्रांजेक्शन है, बाउचर, डेबुक, ये एक एक वीडियो में आपको हम हर चीज़ का डिस्कस कराते चले जाएंगे, ठीक है। अभी हम अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या मास्टर, जिसमें आपको क्रिएट का ऑप्शन दिया होगा, जिसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, स्टॉक आइटम की जो वो होती है उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे के वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद और जय हिंद।